अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला साधा। राजधानी शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने कहा कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज सरकार के बम से जनता परेशान है, बस से बेरोजगारी और मां से महंगाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज सरकार विफल नजर आ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि 17 अगस्त से 23 अगस्त कांग्रेस विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। देश के साथ हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का काम करेगी। भाजपा की सरकार ने देश में पर एक बम फेंका है, जिससे पूरा देश आज आहत हुआ है, पीड़ा में है, करा रहा है। वो बम क्या है? बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने तय किया है। जिस तरह से 5 अगस्त को देश भर की कांग्रेस सड़कों पर निकली बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, देश भर के राजभवनों का घेराव किया, उसी तर्ज पर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक पूरे एक सप्ताह तक देश भर की हर विधानसभा, हिमाचल की 68 विधानसभाओं में हमारा कार्यकर्ता लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ राहत दिलाने के लिए हल्ला बोलेगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, दिल्ली चलो के नारे के साथ देश भर का लाखों कार्यकर्ता और जनता दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रही है। हम दिल्ली के, देश के, हिमाचल के लोगों को विश्वास दिलाते हैं, हिम्मत बनाए रखिए। इस तानाशाह सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झुका कर रहेगी। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से उन्हें अपने कदम पीछे हटाने होंगे। और मैं आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करती हूँ, 17 अगस्त से 23 अगस्त तक हर विधानसभा की हिमाचल में ये जो अभियान चलेगा, सड़कों पर लोग आएंगे, अपने दर्द को रखेंगे, आप सच्चाई को दिखाइएगा, ताकि सोती हुई भाजपा सरकार जो अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि हाँ देश में बेरोजगारी और महंगाई नाम की कोई चीज है, उसके लिए ये एक काला जादू है, या उसके लिए इससे बड़ी समस्या कोई एक परिवार है। तो मैं आप सबसे कहूंगी, दिखाइए जनता का दर्द। 17 से 23 अगस्त तक सड़कों पर, चौराहों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएगा, उनका दर्द सुनेगा। और 28 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली की दहलीज पर आपसे निवेदन है, इस सोती सरकार के सामने देश की जनता की, हिमाचल के युवाओं की, महिलाओं की जो है दर्द को लाइए। और ये जो बम फेंका है, इस बम से जो है हमें आपको डिफ्यूज करना होगा। बम बेरोजगारी और महंगाई के इस बम को डिफ्यूज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारा शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेगा, ये मुझे विश्वास है।